जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के सुदूर रवरीब गांव में पहाड़ी की चोटी पर ज्वाला माता का मंदिर हर साल आषाढ़ चतुर्दशी पर गुलजार हो उठता है। मंदिर में मुस्लिम और हिंदू समान रूप से इष्ट देव का जन्मदिन मनाने और उनकी प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आज एक बहुत महान दिन है, आषाढ़ चतुर्दशी हर साल जुलाई में लगभग आती है। इस दिन इस माता ज्वाला का जन्मदिन होता है। इस जन्मदिन को मनाने के लिए लोग तरफातों से आते हैं। सिर्फ हिंदू भाई नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी इष्ट देवी है। यहाँ के जो हमारे मुस्लिम बरादर हैं वो भी जोक दर जोक आते हैं। श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर इस गांव में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कोई नई बात नहीं है। दोनों समुदाय अब कश्मीर में सद्भाव, शांति और भाईचारे के युग की वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम इतिहाद की निशानी है और इस मेले में शर्म करते हैं यहाँ के मुकामी मुसलमान भी, और जो अतरा फकनाफ के जो इलाके हैं वहाँ के मुसलमान भी, और जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है वो भी, तकरीबन सारे कश्मीर से वो जो बाहर अभी हैं मुकीम वो आते हैं। कश्मीर क्योंकि जाना ही जाता है क्रिमिनल हारमोनी के लिए, तो क्रिमिनल हारमोनी के लिए कश्मीर जाना जाता है। तो ज़रूरी है कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो पंडित ब्रदरन है, हमारी कम्युनिटी है कि हमारे साथ साथ या हम इनके साथ हैं, क्योंकि वी आर कम्प्लीट, वी आर कम्प्लीट। तो हम एक दूसरे के बिना जैसे मतलब हमारी तहजीब नहीं है, तो हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी आइडेंटिटी जो एक है, साख एक है, पहचान एक है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों और राज्य के बाहर से भी कई श्रद्धालु यहां पर आते हैं। सभी देवी से प्रार्थना करते हैं कि इलाके में शांति बहाल हो, ताकि हिंदू और मुस्लिम पहले की तरह एक साथ रह सकें।